रूपा जी, इसे बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में हम देख रहे हैं कि मंडियों में उपलब्धता सरसों के स्टॉक की इतनी रही नहीं है, बहुत ही कम नाम मात्र के लिए रह गई है, और जो नई फसल है, जो नई आवकें हैं, वो भी मार्च के महीने में आएंगी। लगभग 2.5 महीने का अभी और इन समय है सरसों की नई आवकें आने में। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर सरसों की कीमतों में कुछ उछाल देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, जब तक नई आवकें नहीं आ जाती हैं सरसों की, तो क्या सरसों में ऐसे ही उछाल जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये वाला महीना हो सकता है कि आपको फरवरी तक सरसों के अंदर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी कम है। अभी ओवरऑल देखिए ट्रेंड जो है खाद्य तेलों का, अभी बाजार तेजी के साथ खड़े जरूर है, सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब ज्यादा तेजी की उम्मीद बहुत कम है। जो ये लेवल मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से इन लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेने में ही समझदारी है। आगे चलकर हमें ऐसा लगता है कि एडिबल ऑयल पैक फिसलते हुए नजर आ सकते हैं जी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।